वेलकम दोस्तों, विद्यापीठ के फर्स्ट सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्विच। पीछे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जहां हमने बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशन के बिहाव पे एग्जीक्यूट कराना ही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। और इसमें हमने दो तरीके के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखे थे। एक हमने देखा था इफ़ और दूसरा देखा था स्विच। इफ़ की हमने लास्ट टाइम बात की हुई है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्विच की। अब क्योंकि स्विच बेसिकली होता है मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि अगर आपको एक से ज़्यादा डायरेक्शंस पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होगा तब हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसका डेफिनेशन बनता है कि इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल कंट्रोल स्टेटमेंट। मल्टी डायरेक्शनल मतलब होता है मैनीड वे, यानी अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस कंट्रोल स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कराना होगा तो हम मल्टी डायरेक्शनल यानी स्विच का इस्तेमाल करते हैं। कि आप चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें हमारे प्रोग्राम में, तो उस जगह पे हमें स्विच का इस्तेमाल करना है। इसकी एक और खासियत होती है कि इट इज़ प्रोवाइड मल्टीपल कंट्रोल एट अ सिंगल प्लेस, कंट्रोल स्टेटमेंट एट अ सिंगल प्लेस। ये इसकी ब्यूटी है डियर, क्योंकि यहाँ पर यही इसको खास बनाता है कि हम मल्टीपल कंट्रोल्स को एक प्लेस पे रख के स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्विच का सिंटैक्स देखते हैं कि हाउ इट्स लुक लाइक, स्विच देखने में कैसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स अगर हम आगे बढ़ते हैं तो स्विच जो बेसिकली है, यानी पहले हम स्विच अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं ब्रैकेट में एक्सप्रेशंस को। देन उसके बाद हम यहाँ पर केस लिखेंगे जो हमारा कीवर्ड है, एंड नाउ लेबल, यानी कि यहाँ पर हम एक नंबर का इस्तेमाल करते हैं या जो भी लेबल आपको देना है वो लेबल देंगे। तो केस नंबर, देन उसके बाद आप यूज़ करते हो स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद फिर आप यूज़ करते हो ब्रेक। और ये आप जितनी मर्जी उतनी केस लगा सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन योर क्वेश्चंस या प्रॉब्लम, जिससे भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप उतने नंबर ऑफ केसेस अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। और लास्ट में हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट का, कि अगर कहीं भी किसी भी केस पे अगर वो लाई नहीं करेगा तब वो डिफ़ॉल्ट पे आएगा और जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा। और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गई। तो आइए इसी के बेस पे एक प्रोग्राम को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो WAP राइट प्रोग्राम इनपुट एनी नंबर बिटवीन 1 to 4 एंड प्रिंट इन वर्ड। हमें 1 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लेना है। जैसे हमने 2 लिया तो इसका आउटपुट आना चाहिए, सॉरी यहाँ चला गया कर्सर, जैसे हमने यहाँ पर 2 इनपुट कराया तो हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो TW2 आना चाहिए। उसी किसी ने अगर 3 कराया तो रिज़ल्ट आना चाहिए THREE3। किसी ने अगर 4 कराया तो रिज़ल्ट आना चाहिए FOUR4। और किसी ने अगर 4 से ज़्यादा कराया लाइक 5, 6, 7 तो रिज़ल्ट आना चाहिए इनवैलिड नंबर, क्योंकि हमने साफ साफ क्वेश्चन बोला है 1 to 4। अगर आप देख सको तो हमने साफ साफ क्वेश्चन अप्लाई किया हुआ है कि 1 से लेकर 4 तक के बीच में ही नंबर ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई नंबर लेने पर हम उसे इनवैलिड बोल देंगे। आइए कैसे बनाएंगे अब वो देखते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम बनाने की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया सी में हम सब प्रोग्राम के स्टार्टिंग हैश इंक्लूड से करते हैं और stdio.h विच स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। देन उसके बाद void main आपने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे इनपुट एनी नंबर की बात हुई तो हमने n ले लिया, यूज़र को मैसेज पास किया कि प्लीज़ इनपुट एनी नंबर बिटवीन 1 to 4, यानी हमने साफ साफ बोला कि 1 से 4 के बीच में कोई भी एक नंबर इनपुट कीजिए। अब हमने स्कैन करा लिया उसको और ये हमने n पे इनपुट करा लिया m% के हेल्प से। अब उसके बाद हम यहाँ पर स्विच अप्लाई करेंगे कि स्विच n जो हमने इनपुट लिया उसको पास कर देंगे स्विच के अंदर एज एक्सप्रेशन। अब हमने यहाँ पे केस बनाया कि अगर आपने 1 इनपुट किया है तो केस नंबर पे 1 आएगा और यहाँ पे आप उसको प्रिंट करा दोगे वर्ड में प्रिंट अप
ओ एन ई वन, उसी तरह से फिर ब्रेक लगा देंगे। फिर उसके बाद केस टू बना दिया आपने दो नंबर के लिए, फिर आपने लिखा प्रिंट ऑफ टी डब्ल्यू ओ टू एंड नाउ, फिर उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया। फिर उसी तरह से केस थर्ड देन कॉलन फिर प्रिंट ऑफ टी एच आर डब्ल्यू थ्री एंड नाउ, ब्रेक लगा दिया आपने। फिर उसी तरह से आपने केस फोर बनानी है, फिर आपने बनाया केस फोर एंड नाउ प्रिंट ऑफ एफ ओ यू आर फोर, और फिर आपने यहाँ पे लगा देनी है ब्रेक। और लास्ट में हम बनाएंगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने हिसाब से बोला एक से चार के बीच में, अगर ये एक से आठ होता तो आप केस आठ तक बना रहे होते, या दस होता तो केस दस तक बना रहे होते, और यहाँ पर लिख दिया इनवैलिड नंबर, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। और लास्ट में हमने वाइट के लिए भी कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं कि ये हो कैसे रहा है। सो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि आपने एन पे अगर थ्री लिया है, सपोज़ कीजिए, तो यहाँ एक्सप्रेशन में थ्री आया। अब ये केस नंबर को मैच कराएगा, यानी यहाँ पर गया देखा कि यहाँ तो वन लिखा हुआ और हमारा इनपुट तो थ्री है, ये मैच नहीं किया। उसी तरह से फिर यहाँ आया, यहाँ देखा टू लिखा है लेकिन यहाँ तो थ्री है, ये भी मैच नहीं किया। जब यहाँ गया तो देखा कि थ्री है और इनपुट भी हमारी थ्री है, जैसे ये मैच करेगा तुरंत ये इस केस पे आएगा और यहाँ पर थ्री को प्रिंट करेगा, और यहाँ क्योंकि ब्रेक लिखा हुआ है इसका मतलब फ्लो को हम आगे, प्रोसेस को आगे हम बढ़ने से रोकेंगे, और यहाँ पर ब्रेक इस प्रोसेस को आगे बढ़ रोकेगा और रोक कर इसको बाहर निकाल देगा और यहाँ पर चलाएगा, तो इसने आगे ब्रेक। अब अगर आप सपोज़ करो ब्रेक ना लगाते तो क्या होता, चलिए इसको हम सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने टू इनपुट किया है, और इस बार हमने ये माना है कि आपने कहीं भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया है, तब क्या रिज़ल्ट आएगा वो समझिए। अगर आपने कहीं भी ब्रेक का इस्तेमाल ना किया हो, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने ब्रेक यूज़ नहीं किया है तो क्या होगा, ये कहीं भी आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, तो उस जगह पे जैसे आपने टू इनपुट किया तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में टू आया, यहाँ मैच किया, देखो नहीं हुआ मैच क्योंकि यहाँ वन है और यहाँ पे इनपुट वैल्यू टू है, इससे मैच नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ के टू पे गया, केस टू पे देखो मैच कर गया क्योंकि आपने इनपुट मैच किया था, टू इनपुट लिया था, जैसे ही मैच हुआ तो यहाँ से स्विच उठेगा और इस टू के केस पर चला जाएगा। अब यहाँ पर पहला रिजल्ट प्रिंट करेगा टू, क्योंकि ब्रेक ना लगने की वजह से जो आपका प्रोसेस है वो नीचे बढ़ जाएगा और इस बार चला जाएगा थ्री पर, और थ्री भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक आपने अप्लाई नहीं किया था तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं, और फिर यहाँ प्रिंट करेगा फोर, फिर आपने जो है अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पर जो है प्रिंट करेगा इनवैलिड नंबर। यानी इस स्टेज में अगर हम बात करें तो आपकी जो आउटपुट आएगी विदाउट ब्रेक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आएगा टू जो आपका रिज़ल्ट है, थ्री फिर उसके बाद फोर फिर उसके बाद इनवैलिड नंबर। और अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो उसी जगह पे स्टॉप हो जाता है, और फिर वो स्टॉप होकर प्रोसेस को रोककर वो बाहर के साइड में फेंक देता है। इसीलिए यहाँ डियर हम स्विच के केस में हमेशा ब्रेक को अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर आप इस अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें इस वीडियो को ताकि वो भी सीख सकें कोडिंग्स और सीखे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारे यूनिट थर्ड के नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि अगर इसको हम और भी कंटिन्यू करेंगे तो हमारी ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और चीज़ें भी आपको कैओस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ स्टॉप करेंगे। और अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। धन्यवाद।